आप लोगों को तो पता है ना गाइस कि मैं डायरी लिखने का मुझे बहुत शौक है। तो ये मैंने 9th-10th में लिखी थी, अब इसका हुलिया देखें सारा बिगड़ गया है। तो मैंने कहा इसे ना थोड़ा चार्ट्स के साथ, पहले मैंने इसे USU लगाई है, तो मैंने कहा थोड़ा चार्ट के साथ इसे डेकोरेट कर लूँ। मेरी इतनी अच्छी डायरी है तो इसलिए अब करने लगी हूँ। बाहर का मौसम चेक करें, और ये देखें मैं इस मौसम में ये करने लगी हूँ। ये उतार लूँ मैं, ये उतर गया है। अब मैं आपको अपने चार्ट्स दिखाती हूँ। मैंने पता है ये 700 के मंगवाए हैं, शीट्स भी हैं और ये चार्ट्स भी हैं। कौन कौन से कलर के, एक रेड है, हार्ट चार्ट में ब्लैक है, फिर है पिंक है एक, और एक ये फिरोजी है, और ये टी सी ग्रीन है। मैं ग्लिटर शीट्स भी आपको दिखाती हूँ। ग्लिटर शीट्स है मेरे पास ग्रीन, पिंक, ब्लैक और एक और थी ये वाला। ये देखिए पहले इसे चौरस काट लेना है। अब मैंने इस कटर के साथ ना इसे अच्छे से काट लेना है। अब मेरे पास कोई है नहीं जो मोबाइल पकड़े और मैं काट के दिखाऊं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ही काटूंगी इसे। ओके, ये देखिए पहले इसे चौरस काट लेना है। अब मैंने इस कटर के साथ ना इसे अच्छे से काट लेना है। अब मेरे पास कोई है नहीं जो मोबाइल पकड़े और मैं काट के दिखाऊं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ही काटूंगी इसे। ओके, ये देखें जी ये कट हो गया। देखें जी मैंने लाइंस लगाई हुई थी डायरी के हिसाब से, अब इसे मैं कट कर रही हूँ। ठीक है ना, वैसे कट हो रहा है, ऐसे फिर वीडियो सही से नहीं बन रही और ना ही ये अच्छे से कट हो रहा है। तो मैं आपको ये काट के ना तो फिर बताती हूँ, दिखाती हूँ फिर। ये देखें जी ये कट हो गया है, और ये देखें अच्छा बना जाएगा ना। देखें जी मेरी कवरिंग हो गई है सारी। अब मैं इसके ऊपर एक ये है फूल बनाया, और एक ये बटरफ्लाई अप्लाई करूँगी। देखिए तो प्यारी बनी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने। देखिए जी कैसी बनी है, ये बटरफ्लाई मैंने लगा दी है ऊपर। और इधर अब मैं इसे अपनी एक नाम दूंगी डायरी का, क्योंकि ये मैंने 9th-10th में लिखी थी। तो देखती हूँ, देखते हैं क्या नाम देती हूँ मैं इनको। देखिए जी मैंने डिज़ाइन भी कर लिया है और इसका नाम भी इसे दे दिया है। और ये मेरा मैट्रिक मुकम्मल था, और 2 सालों में, मैं 9th में नहीं मैंने इतनी लिखी, 10th में ही लिखी है आके। तो ये जी हो गई है मेरी कंप्लीट। प्यारी लग रही है, सबने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैंने कैसी डेकोरेट की है। और ना यार एक बात और, मैं आप लोगों को एक शेड दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरी बेस्टी ने मुझे बना के दिया था, दी थी। एक मिनट, ये देखें मेरी मैम ने मुझे ये लिख के दिया था जो मुझे आज भी याद है। और इधर एक वो था, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। एक मिनट, ये शेड जो है ये मेरा फेवरेट है। ये बाबा बुल्ले शाह साहब का है, और वो मेरी वो शायरी भी मुझे उनकी पसंद है। और ये जो लिखा है ना ये तो कमाल ही लिखा है उन्होंने। सो कंप्लीट हो गई है। इस वाली साइड से मैंने कुछ नहीं किया था, इस वाली साइड पे मैंने ये डेकोरेट कर दी है। और देखें तो मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। और
ना गाइस, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और ये देख लें मेरे रूम का क्या हाल बना हुआ है, और ये सारा मैंने अब समेटना है। तो अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।